डियर गेट एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एनहांसमेंट हो सकता है? इसीलिए बायजूस एग्जाम प्रेप आपके लिए लेके आ रहा है एक्सपेरिमेंट्स एंड बियॉन्ड। इस सीरीज में आपको मिलेगा हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा किए गए बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो आपका गेट एग्जाम क्लियर करने में बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको मिलेगा अपने सभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करने का मौका, सभी कंसेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में सुधार, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में मदद, पीएसयू के इंटरव्यू को क्लियर करने का नॉलेज। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सब लोगों का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे गेट एंड ईएससी के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज में हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो मेरे साथ अभी आपकी एक एक्सपेरिमेंट सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज में हमने लास्ट टाइम नेटवर्क थ्योरम्स जो थी, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी एंड लिनियरिटी, ये थ्योरम्स को हमने थोड़े से एक्सपेरिमेंट देखे थे। हमने देखा था कि इनकी वैलिडिटी कैसी है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ हमने देखी। आज का जो सेशन है, अभी का जो सेशन है, इसमें हम लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं डीसी से एसी की तरफ। तो सबसे पहले हमें बिहेवियर देखना है एसी में, खासकर इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो मेरे पास एक कैपेसिटर बैंक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा बैंक है बस, 2.5 माइक्रोफेरेड के चार कैपेसिटर्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो अगर आप ओवरऑल इनका कैपेसिटेंस देखोगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस इसका 2.5 इनटू आप कह सकते हैं 4, तो अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोफेरेड के अराउंड इनका कैपेसिटेंस होगा। दूसरा मेरे पास एक इंडक्टर है और ये इसका भी मैं एसी पे बिहेवियर देखूंगा कि किस तरह से ये एसी में बिहेव करता है। एसी और डीसी दोनों को हम जरा समझेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टर को देखते हैं कि इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा एसी सर्किट्स में और डीसी सर्किट्स में। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट कराऊं और उस एक्सपेरिमेंट से मैं इंडक्टर का बिहेवियर पहले दिखाता हूं और उसके बाद मैं कैपेसिटर का बिहेवियर दिखाऊंगा। तो जरा देखिए, मेरे पास जो इंडक्टर है उसको मैं एक बार डीसी पे लगाता हूं और एक बार एसी पे, और मैं चाह रहा हूं इसका करंट रीड किया जाए और वोल्टेज भी रीड की जाए, दोनों को रीड करते हैं, करंट एंड वोल्टेज। तो चलिए, मेरे पास करंट रीड करने के लिए एक डिवाइस है जिससे मैं करंट को रीड कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एसी सप्लाई इसको दूंगा और एसी में करंट को हम लोग रीड करेंगे और वोल्टेज को रीड करेंगे। तो मैं वोल्टेज के लिए मुझे वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। तो वोल्टेज मैं नहीं चाहता कि भाई आपकी वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट से ज़्यादा हो, क्योंकि 20 वोल्ट पे इसका करंट अच्छा खासा आ जाएगा। तो चलिए मैं जरा इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, एंड वोल्टेज के लिए मुझे एक और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैं लगा लेता हूँ एक बार। ओके दोस्तों, तो जरा देखिए, मैंने एक वोल्टमीटर लगाया है जो वोल्टेज इसमें रीड करेगा मुझे, और एक एमीटर है जो करंट मुझे यहाँ पर रीड करके देगा, और यहाँ पर एसी करंट हम लोग रीड कर रहे हैं इंडक्टर में, और इंडक्टर के अंदर मैंने आयरन डाल रखा है। ये चीज़ आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा कि आयरन डाल, मैं आयरन को एक बार निकाल के भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैंने आयरन को लगा रखा है और अब जरा मैं इसको ऑन करता हूँ और वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं करंट को भी रीड करूँगा साथ साथ कि करंट मेरा कितना जा रहा है। तो करंट के लिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे कुछ कनेक्ट कर देता हूँ सो दैट करंट भी मुझे रीड होता रहे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो करंट जो है वो मेरा, मैं चाह रहा हूँ कुछ 2 एम्पियर तक करंट चला जाए, क्योंकि या ज़्यादा वोल्टेज भी मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एक बार थोड़ा रीड करना पड़ेगा कि वोल्टेज कितनी है। ओके, यहाँ पे वोल्टेज जी, तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब वोल्टेज आ गया, दिस इज़ 46 वोल्ट, बट मैं 46 वोल्ट तक जाना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि वोल्टेज मेरी 20 वोल्ट तक ही रहे। तो ज़रा देखिए, वोल्टेज को मैं 20 वोल्ट तक ही रखता हूँ और मैं चाह रहा हूँ आप इसको नोट कर लें एक बार। तो ज़रा देखिए, वोल्टेज मेरी फ़िलहाल अभी 20 वोल्ट है, अप्रोक्सीमेटली मैं 20 वोल्ट पे हूँ, थोड़ा सा ये कम ज़्यादा है, हाँ अभी अप्रोक्सीमेटली 20.4 वोल्ट है आप अगर ध्यान से देखें। और करंट की जो रीडिंग है, करंट रीडिंग इज 0.436, ये मेरी करंट की रीडिंग है, वोल्टेज इज एट 20.3 वोल्ट। ओके, ये तो मेरा क्या था, ये मेरा डीसी सर्किट था, सॉरी एसी सर्किट में हमने देखा इंडक्टर को जब हमने एसी में लगा रखा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका आयरन को निकाला जाए, जब हम आयरन को निकालेंगे तब आप देखिएगा कि क्या हैपनिंग होगी और मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों हो रहा है। तो आयरन को अगर मैं निकाल रहा हूं तो आप जरा इस करंट की रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, और वोल्टेज तो मेरा फिक्स है क्योंकि सप्लाई वोल्टेज मेरी इतनी है, तो थोड़ा मोड़ा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता रहता है, वो मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा, रेगुलेशन की वजह से है वो, बस करंट पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो करंट क्या होता जा रहा है बताओ,
करंट मेरा बढ़ते जा रहा है, आप देखिए करंट मेरा बढ़ते जा रहा है, और करंट मेरा जैसे मैंने पूरी तरह से निकाल दिया, निकालने के बाद करंट कितना हो गया 1.698, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.7 वोल्ट हो गया है। और जब मैंने इसको डाल रखा था तब मेरा जो करंट था दोस्तों दैट वाज 0.44, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 4 times हो गया, करंट मेरा 4 times बढ़ गया दोस्तों। ये तो एसी में है, ऐसा क्यों हो रहा है उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप डीसी सर्किट्स में भी इसको अप्लाई करके देखें, इस इंडक्टर को डीसी में लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब जरा डीसी में लगाते हैं। ओके, अब जरा देखिए दोस्तों, मैंने अब कनेक्शन जो है वो डीसी पे कर दिए हैं, ये मेरा इंडक्टर है और यहाँ पे मेरा डीसी सोर्स है, ठीक है, जिसमें मैं वोल्टेज और करंट जो है, मतलब मेनली वोल्टेज को मैं वेरी करूंगा, और अल्टीमेटली 20.3 वोल्ट पहले था, अभी भी मुझे 20.3 ही रखना है, और इंडक्टर पे यहाँ पे मैं करंट को रीड करूंगा और यहाँ पे मेरी वोल्टेज जो है वो रीड होगी। तो चलिए जरा मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये मैंने ऑन किया है और वोल्टेज को अब मैं जरा इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ। तो वोल्टेज आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, वोल्टेज दोनों जगह से देख सकते हो, दोनों बराबर ही दिखाएंगे, और करंट आपको यहाँ से नजर आएगा। तो मुझे वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट तक लेके जानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डीसी में जब मैं वोल्टेज को 20 वोल्ट कर रहा हूँ तो ये लीजिए मैंने 20 वोल्ट कर दिया है, तो आप देखिए करंट की जो वैल्यू है 20.3 या 20.2 अप्रोक्सीमेटली सेम ही वोल्टेज है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज 19.7 एग्जैक्टली आई है। तो मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि इस वोल्टेज पे मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वोल्टेज पे भरोसा कर रहा हूँ, दिस इज 21.2 एंड थोड़ा सा अगर मैं इसको डाउन करूँगा तो ये 20.5 वोल्ट हो गया, ठीक है, दिस इज 20.5 और करंट जो है वो 2.62 एम्पियर है। सोचिए एसी में कितना करंट था, एसी में कितना करंट था बताइए, एसी में जो करंट था वो था 1.6 something 1.67, और डीसी में उतनी ही वोल्टेज पे जो करंट है, नहीं 1.6 नहीं था, जब आयरन डला हुआ था तब करंट था 0.44 और अब कितना है बताइए, अब 2.6 समथिंग कुछ करंट है, ये तो बहुत लार्ज करंट है, कहां 0.44 कहां पे पॉइंट। अब चलिए मैं इसमें जरा आयरन को निकालता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आयरन को निकाल रहा हूं इसमें तो पहली बात तो आयरन इतना इजीली निकल नहीं रहा, बहुत स्ट्रांग मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप देखिए कोई खासा फर्क पड़ा क्या इसमें, कहां कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब। लेकिन एसी में जब आपने देखा था, जब हम आयरन निकाल रहे थे तो एसी में तो आपका एकदम से 4 गुना करंट बढ़ गया था, लेकिन डीसी में आपका करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं डाल रहा हूं तब भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही करंट है और जब मैं निकाल रहा हूं तब भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही करंट है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों है, चलिए तो जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक बार जरा हमें बोर्ड पे आना पड़ेगा, तो मैं एक बार इनको बंद कर देता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड आपको जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो सारी कहानी है दोस्तों, ये सारी कहानी है इंडक्टेंस की, क्योंकि डीसी में जो इंडक्टेंस होता है वो शॉर्ट हो जाता है, इंडक्टर की वैल्यू जो है वो शॉर्ट हो जाती है। अब अगर आप इस इंडक्टर को देखेंगे, अगर मैं आपको इस इंडक्टर को दिखाऊं, तो मैं एक बार जरा इसको डिस्कनेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं आपको इस इंडक्टर को दिखाता हूं। ये जो इंडक्टर है ये मेरा एक प्रैक्टिकल इंडक्टर है दोस्तों, ये एक आइडियल इंडक्टर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल इंडक्टर है, और प्रैक्टिकल इंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, अपना एक इंडक्टेंस होता है और एक रेजिस्टेंस होता है, अपना एक इंडक्टेंस होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। अब अगर मान लीजिए मैं डीसी लगा रहा हूं एक केस में, और एक केस में मैं क्या लगा रहा हूं बताओ, एक केस में मैं इस प्रैक्टिकल इंडक्टर पे एसी लगा रहा हूं, तो दोनों में बिहेवियर जो है वो अलग अलग आएगा। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि एसी में जो टोटल इसका जो इंपीडेंस नजर आएगा वो होगा आर प्लस जे ओमेगा एल, वो आपको ये नजर आएगा, और ये बढ़ जाएगा आपका इंपीडेंस, इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं दैट विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, और उससे जो करंट आएगा वोल्टेज वी एस डिवाइड बाई दिस इंपीडेंस अगर आप करेंगे तो करंट आएगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। बट अगर वही चीज अगर आप डीसी पे लगाते हो तो डीसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एल जो है इसका जो रिएक्टेंस बनेगा वो बनेगा जीरो और ये बनेगा आर। आप बोलोगे जीरो क्यों बना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बताओ डीसी में, जीरो होती है, दैट्स व्हाई इसमें सिर्फ और सिर्फ आर नजर आएगा। तो यहां पे जो जेड की वैल्यू आएगी, जो इंपीडेंस बनेगा वो सिर्फ आर ही बनेगा, और जो करंट आएगा वो आएगा जो भी मेरे पास सोर्स वोल्टेज, ये तो मैंने आर एस दोनों की बराबरी रखी है, तो अब यहां पे जो करंट आएगा वो वी एस अपॉन आर आएगा अकेला, जबकि पिछले केस में वी एस अपॉन जेड आया था तो जेड की वैल्यू बड़ी थी उसमें,
इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा, आपने एक और चीज देखी, जब मैं आयरन को डाल रहा था या निकाल रहा था तो डीसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि एसी में फर्क पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप आयरन डालते हो तो एल की वैल्यू बढ़ जाती है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में, आपको मैंने दिखाया था कि जब आयरन डालते हो तो एल की वैल्यू बढ़ जाती है। एल की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, आपका ओमेगा एल भी बढ़ेगा, ओमेगा एल बढ़ेगा तो इंपीडेंस बढ़ जाएगा और आपका करंट कम आएगा। तो जब आयरन डला हुआ था एसी के केस में, करंट समथिंग 0.4 समथिंग कुछ आया था, और जब मैंने उसको निकाल लिया था तो 4 times हो गया था, 1.6 एम्पीयर कुछ करंट बन गया था। तो आप देखिए, जब आयरन निकाल लोगे तो एल छोटा हो जाएगा, जेड की वैल्यू मेरी छोटी हो जाएगी, और जेड की वैल्यू छोटी होने की वजह से आपका करंट जो है वो आपका आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमने एसी में देखी। परहैप्स यही रीजन है कि हम ट्रांसफॉर्मर में डीसी अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में डीसी अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड का भी अपना इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है और सेकेंडरी साइड का भी होता है, और जैसे आप डीसी लगाओगे इंडक्टेंस तो नेग्लेजिबल ही होगा, तो सारा का सारा क्वाइल का क्या नजर आएगा, रेजिस्टेंस। तो करंट एक तो लार्ज आएगा डीसी अगर अप्लाई करोगे तो, और उसके अंदर जो वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेज होंगे उससे वो भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस भी है, तो आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि डीसी में जो इंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि डीसी में लार्ज करंट होता है, तो और इसके जो रेजिस्टेंस है उसमें जो पावर लॉस होगी वो भी काफी ज्यादा होगी, तो डीसी में इंडक्टर मेरा गर्म हो जाएगा, बट एसी में मेरा इंडक्टर उतना गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसी में जो करंट आएगा वो कम आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा डीसी की वजह से ये गर्म हो सकता है, बहुत ज्यादा लार्ज गर्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा, इसी वजह से हम ट्रांसफॉर्मर में डीसी अप्लाई नहीं करते। और भी टेक्निकल रीजन होते हैं डीसी अप्लाई ना करने के, बट वन ऑफ द रीजन जो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो आपका यही है कि आपका जो है ना इंडक्टर जो है गर्म हो जाएगा और उसमें हीट लॉस हो सकती है, वो वाइंडिंग जल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कैपेसिटर की। अब मेरे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये मैंने 4 कैपेसिटर को इकट्ठा कर रखा है, और इसको इकट्ठा करने से ये 2.5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है, तो अप्रोक्सीमेटली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 10 माइक्रोफेरेड के अराउंड होगी। हालांकि मैं इसको मेजर भी कर सकता हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता मेजर करने से, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एसी पे लगाता हूँ एक बार, और एक बार डीसी पे लगाता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि करंट कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए जरा इस एक्सपेरिमेंट को भी हम मेजर करते हैं, एक बार एसी में लगाते हैं और एक बार डीसी में लगाते हैं, और करंट को मेजर करते हैं कितना आएगा। ओके, जरा देखिए दोस्तों, अब मेरे पास ये कैपेसिटर बैंक है और मैं यहाँ पे करंट को रीड करूँगा, और वो भी एसी करंट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ये आपका एमीटर सेट कर दिया है जो मेरे को एसी करंट को रीड करके दे देगा, एंड मैं अब जरा कनेक्ट करता हूँ सप्लाई को, और वो एमीटर के थ्रू जा रही है वो सप्लाई, सो दैट हम करंट को रीड कर सके कि कितना करंट आएगा। तो चलिए जरा देखिए दोस्तों, मैंने एक पॉइंट लाइव में लगाया और एक पॉइंट में न्यूट्रल में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 0.74 समथिंग कुछ एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, 0.74 एम्पियर करंट आ रहा है अभी कैपेसिटर में, और ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। अब जरा देखिएगा, अब मैं ये कैपेसिटर चार्ज हो रखा है बाय द वे, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे झटका दे सकता था, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी कैसे स्टोर करता है, बट उससे पहले मैं इसको डीसी में देखना चाहता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको डीसी पे अप्लाई करते हैं और डीसी में करंट देखते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो तो 220 वोल्ट थी जो आपने लगाई यहाँ पे, और अब जो डीसी में हम लोग लगाएंगे वो तो हम अपने मीटर से लगा रहे हैं, तो उसमें तो करंट आना नहीं चाहिए, और ये तो मीटर जो है जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो ड्यूअल सप्लाई है वो तो हमारी ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं देता है, वो 20-25 वोल्ट तक ही देगा, तो करंट वैसे नहीं आएगा, नहीं डीसी में आपको करंट दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, मैं डीसी सप्लाई जरा लगाता हूँ अब इसमें, और आपको करंट को रीड करके दिखाता हूँ कि करंट कितना है डीसी सप्लाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सप्लाई है वो मैं लगा देता हूँ, तो ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया है और ये मैंने नेगेटिव लगा दिया है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं जरा सप्लाई को इनक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो सप्लाई मेरी ये ऑन है, और अब जरा मैं सप्लाई को इंक्रीज कर रहा हूँ, अब जरा नोटिस कीजिए इसके ऊपर, और वोल्टेज को भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, जरा बताएंगे वोल्टेज कितना हो गया 7.9, और करंट की वैल्यू कितनी है बताओ 0 एम्पियर। मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ, अब बताइए वोल्टेज 17.8, बट करंट स्टिल 0 एम्पियर है, करंट नहीं आ रहा कुछ भी, अब बताइए वोल्टेज 28, और करंट मेरा कितना है 0। इसका मतलब डीसी में करंट नहीं ले रही है,
और लेगा भी नहीं। आप बोलोगे क्यों सर, जब आप वेरी कर रहे थे तब तो लेना चाहिए इसको, क्योंकि तब तो वोल्टेज वेरी कर रही थी, और वोल्टेज जब वेरी करती है तो कैपेसिटर करंट लेता है, जैसा कि एसी में होता है, एसी में वेरिएबल वोल्टेज होती है तो कैपेसिटर करंट लेता है। असल में मैं इतना स्लोली वेरी कर रहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है दैट वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इस वजह से कैपेसिटर में कोई करंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी में उसका जो रिएक्टेंस होता है दैट इज वेरी लार्ज, 1/ωC होता है, ओमेगा की वैल्यू जीरो होती है, तो उससे जो उसका रिएक्टेंस है दैट बिकम इनफाइनाइट, तो उसकी वजह से करंट जो आएगा वो जीरो आएगा। डीसी में कोई करंट नहीं नजर आता, बट एसी में आपको करंट नजर आता है। चलिए अब हम मूव करते हैं बेसिक लॉज की तरफ, केवीएल एंड केसीएल एसी सर्किट्स में। तो चलिए अब जरा हम केसीएल की तरफ बढ़ते हैं एसी सर्किट्स में, और देखते हैं कि कैसे एसी सर्किट्स में हमारा करंट जो है वो मिक्स होता है, कैसे हम केसीएल केवीएल लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो जरा देखिए मेरे पास अब एक इंडक्टर है और मैं इस इंडक्टर का करंट देखना चाहता हूं जब मैं इसके अक्रॉस 20 वोल्ट एसी सप्लाई दूंगा, तब कितना करंट आएगा, और मैं चाहता हूं कि आप उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये सर्किट है जिसमें वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज आप यहां से रीड करोगे और एसी करंट जो है वो आप यहां से रीड करोगे, ये एसी करंट आपको दिखा देगा, और यहां से मैं एसी वोल्टेज को रीड करूंगा कि मेरी जो एसी वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है, ठीक है, वो आप यहां से रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जरा इसको स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, एंड वोल्टेज जो है पहले हम करंट एंड वोल्टेज रीड करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपको तो केसीएल दिखाना था, आप ये चीज़ क्या दिखा रहे हो। तो इसमें एक बार शुरुआत हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि इंडक्टर कितना करंट ले रहा है जब मेरी वोल्टेज 20 वोल्ट पे होती है तब, ठीक है। तो चलिए मैं जरा इसको वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ, और ये वोल्टेज जो है ये मैं रीड करूँगा, और ये करंट जो है ये भी मैं रीड करूँगा। तो और ये आरएल सर्किट है, ये प्योर इंडक्टर नहीं है दोस्तों, ये आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट में करंट क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो जरा देखिएगा अगर मैं इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करूँ तो ये वोल्टेज मुझे रीड नहीं कर रहा है वोल्टेज। ओके मैं इसको ऑन करता हूँ, हाँ ये अब ऑन हो गया। अब जरा देखिएगा, तो अब मैं इसको 20 वोल्ट पे ले आता हूँ दोस्तों, इवन मैं 20 से भी ज़्यादा भी कर सकता हूँ, इवन मैं इसको 40 वोल्ट पे ले आता हूँ, चलिए क्योंकि करंट मेरा काफ़ी स्मॉल होगा 40 पे, तो 40 वोल्ट पे अगर आप देखोगे, इवन 45 वोल्ट, चलो 45 वोल्ट है, एनीवे 45.3 वोल्ट है, और करंट कितना है 1 एम्पियर। वहाँ पे जरा करंट देखिए, करंट कितना है 1 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर है, या मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, 50 वोल्ट कर लेते हैं, चलिए मे बी 50 वोल्ट, आप किसी भी वोल्ट पे चेक कर सकते हो, 50 वोल्ट या 51 वोल्ट अराउंड है ये, ठीक है, 51.1 वोल्ट या थोड़ा बहुत 1-2 वोल्ट जो ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है ये। चलिए ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 50 वोल्ट के अराउंड है, एंड 50 वोल्ट पे जो करंट है दैट इज़ 1.131 एम्पियर। बट रिमेंबर कि भाई ये जो करंट है ये लैग कर रहा है, बिकॉज ये आपका आरएल सर्किट के अंदर है, आरएल लोड के अंदर है। अब एक काम करते हैं, मैं इतनी ही वोल्टेज पे अब मैं कैपेसिटर का करंट देखना चाहता हूँ कि कैपेसिटर में कितना करंट होगा, और फिर मैं दोनों को एक साथ लगाऊंगा और आप फिर देखिएगा कि क्या असर होगा। सेम वोल्टेज पे 50 के अराउंड जो वोल्टेज है उस पे मैं कैपेसिटर का करंट देखना चाहता हूँ कि कैपेसिटर में कितना करंट जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैपेसिटर को एक बार उसका भी करंट रीड करना पड़ेगा, फिर मैं दोनों को करता हूँ। तो चलिए अब जरा कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो जरा देखिए अब यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर बैंक है अगेन, एंड मैंने उसको सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं करंट को रीड करूँगा और यहाँ पे मेरी वोल्टेज है। तो जरा मैं सप्लाई से एक बार इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और वोल्टेज को आप यहाँ पे अगेन रीड कर सकते हो। तो जैसे मैंने ऑन किया आप देखिए कि वोल्टेज की जो वैल्यू है अगेन 51.7 है, बट जो करंट है दैट इज बताइए कितना है, 0.163 एम्पियर। और ये जो करंट है ये लीडिंग करंट है दोस्तों, ये करंट अब वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि इंडिविजुअली कैपेसिटर कितना करंट ले रहा है और इंडक्टर कितना करंट ले रहा है। अब एक काम करते हैं, अब दोनों को पैरेलल में लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैपेसिटर का करंट कितना जा रहा है और इंडक्टर का करंट कितना जा रहा है और टोटल करंट कितना जा रहा है। अब मुझे ये चीज देखनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे अब नेट करंट निकालना है। तो दोनों को अब पैरेलल में लगाते हैं और रिजल्टेंट करंट जो है उसको जरा रीड करते हैं और देखते हैं कि केसीएल जो है इसमें क्या गड़बड़ करता है, मतलब किरचॉफ्स करंट लो कैसे हमारा अप्लाई होगा। तो वैसे आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए, आप लोग एक्सपेक्ट करें ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले, वीडियो को रोक सकते हो आप, और आप एक बार सोच लीजिए कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जुड़ना चाहिए घटना चाहिए कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ओके तो जरा देखिए दोस्तों, अब मेरे पास एक इंडक्टर आ गया और एक कैपेसिटर आ गया, दोनों को मैं पैरेलल में लगा रहा हूँ,
एंड जरा देखते हैं कि कैसे हमारा बिहेवियर आ गया। हमने करंट को पहले ही नोट कर लिया है, इंडक्टर का करंट कितना था जरा बताइए। इंडक्टर में जो करंट आ रहा था दैट वाज 1.13 और कैपेसिटर में जो करंट था वो था 0.163। तो अगर मैं एल्जेब्रिकली ऐड कर दूं दोनों को तो क्या बनना चाहिए बताइए। अगर आप एल्जेब्रिकली ऐड करते हो तो जरा देखते हैं क्या बनता है, और जो हमारी रीडिंग आती है वो भी फिर हम देखते हैं कि क्या बनता है। एल्जेब्रिकली ऐड करने पे 1.293 बनता है, जरा देखते हैं कि क्या करंट आता है। तो फिलहाल मैं सिर्फ इंडक्टर को लगा रहा हूँ, और इंडक्टर के केस में करंट देख सकते हो आप कितना, इंडक्टर के करंट में 1.15, तो वही पहले था। अब जरा कैपेसिटर को मैं पैरेलल करना चाहता हूँ, तो जरा देखिए, अब जरा मैं जब कैपेसिटर को इसके पैरेलल में लगाऊंगा तो कैपेसिटर का करंट भी आया होगा, और करंट एकदम से क्या हो गया बताओ, 1.15 से 0.99 चला गया। अब मैं फिर से हटा रहा हूँ, अब जरा देखिए 1.14 चला गया फिर से, और जैसे मैं लगा रहा हूँ फिर से कम हो गया, लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर करंट तो सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सब्ट्रैक्ट होता तो क्या आंसर आना चाहिए था, 0.968 आना चाहिए था, जबकि ये कितना है बताओ, 0.968, हालांकि रफली उतना ही है, बट एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पॉइंट पूरी तरह सब्ट्रैक्ट होता 0.96 बनना चाहिए था, बट ये पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। जरा देखो ये है 1.144, और उसमें से अगर आप करोगे तो ये एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0.984, और ये कम हो रहा है करंट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप दिमाग लगाइए, ठीक है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है KCL में। तो आप जरा सोचिए इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, हालांकि ये एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा मोड़ा फिर भी ज्यादा है। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट करता, माइनस करता, तो 0.96 बनना चाहिए था, बट ये 0.98 समथिंग कुछ बन रहा है, 0.99 कुछ बन रहा है। तो इसके ऊपर जरा थॉट प्रोसेस लगाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं इसका आंसर दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। आई होप आपको इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर जो है AC और DC में दोनों में समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, बट मेक श्योर कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी हो गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर गेट यूट्यूब चैनल, देयर इज बायजूस एग्जाम प्रेप हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म।